नमस्कार दोस्तों, टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि हिबिस्कस की कटिंग कैसे लगाया जाता है और इसकी सारी जानकारियां मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो सारे प्लांट हैं ये हिबिस्कस के प्लांट हैं, जिसे हम गुड़हल भी बोलते हैं हिंदी में, और ये सारे जो है कटिंग के द्वारा लगाया गया है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसकी कटिंग जो है कैसे लगाएं और कैसे कटिंग हम लगाएं, कैसे कटिंग को हम लोग चुने कि जो आसानी से ग्रोथ कर जाए और जल्द ही फ्लावरिंग करने लगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें जिसमें कि मैंने दिखाया है कि हिबिस्कस के कटिंग जो है वो 2 महीने के बाद कैसे दिखते हैं और उसका जो ग्रोथ है वो कैसा होगा। दोस्तों, हिबिस्कस का जो कटिंग होता है हम ऐसे कटिंग को लेते हैं जो थोड़ा मैच्योर हो, जैसे कि पुराना हो, 4 से 5 महीने पुराना ब्रांच जो होते हैं वो बहुत ही जल्द लग जाते हैं और उसे लगने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि आप जो उसके ब्रांचेज हैं उसे कैसे पहचानें कि जो ब्रांच है वो आसानी से लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हिबिस्कस का ब्रांच है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें रिंकल आ गया है, जो ब्राउन ब्राउन कलर का इसमें शेड आ चुके हैं, ये थोड़ा वुडी हो चुका है, थोड़ा पुराना हो गया है। तो ऐसे आप अगर कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से 2 महीने के अंदर में ये ग्रोथ हो जाएगा और नए प्लांट बन जाएंगे कटिंग के द्वारा। तो मैं ऐसे ही एक ब्रांच कट कर लेता हूँ और मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि इसे कटिंग के द्वारा कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हिबिस्कस का जो ब्रांच है वो कट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो ब्रांच है बहुत ही अच्छा ब्रांच है, इसमें ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इसका जो कलर भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ब्राउन टाइप में हो गया है, तो ये अच्छा रहेगा कटिंग के लिए। तो दोस्तों, मैं इसको कट कर देता हूँ। इसे कट करने के लिए आप यहाँ से कट करें, आप कोई भी ब्रांच ले सकते हैं जो कि आसानी से ग्रो किया जा सके। ज़्यादा मोटे ब्रांच लेने की आवश्यकता नहीं होती है हिबिस्कस के लिए, बस ऐसा ब्रांच ले कि जो कि लग सके और जो इसका कलर जो है फ्रेंड्स ऐसा होना चाहिए कि आपको देखने से ही लग जाए कि हाँ, ये पुराना जो ब्रांच है वो लग सकता है। यहाँ देखिए, इसे मैंने कटिंग कर लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने हिबिस्कस के कटिंग को कट कर लिया है ब्रांच से ही, तो इसे मैं ग्रो करके दिखाऊंगा। तो ग्रो करने से पहले मैं आपको पॉटिंग मिक्स के बारे में बता देता हूँ कि जो हिबिस्कस के कटिंग को ग्रो करने के लिए मैं जो सोइल यूज़ करता हूँ उसमें 20% सैंड होते हैं और नॉर्मल सोइल आप ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर बॉल्यू मिट्टी है, जैसे ज़्यादा रेत की संख्या है उसमें ज़्यादा देखने में, तो आप वैसे ही नॉर्मल सोइल ले जाएंगे तो बहुत ही अच्छा से कर लेगा। इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड सोइल की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये ध्यान रखें कि इसमें बलुई मिट्टी में जो है कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो करता है हिबिस्कस के। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मैं पॉटिंग मिक्स बना रहा हूँ उसके लिए मैं नॉर्मल सोइल ले रहा हूँ। ये नॉर्मल सोइल है, बहुत ही अच्छा सोइल है, वेल ड्रेन सोइल है, तो हिबिस्कस के प्लांट के कटिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये सैंड है, तो सैंड भी मैं मिक्स कर लूँगा। तो सैंड की मात्रा मैं इसमें 20% मिक्स करूँगा और जो नॉर्मल सॉइल है इसे मैं 80% मिक्स करूँगा। और इसमें काउडंक और कोई भी वर्मी कंपोस्ट अभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अगर हम इसमें कोई भी काउडंक और वर्मी कंपोस्ट ऐड करेंगे तो उसके जो ग्रोथ हैं और जो कटिंग है, कटिंग सूखने की आशंका होती है, तो इसके चलते हम इसे नॉर्मल सॉइल और बलुई मिट्टी में ही उगाते हैं। देख सकते हैं कि मैंने सॉइल ले लिया है, अब मैं कुछ रेत ले लेता हूँ इसमें मिक्स करने के लिए। रेत 20% से ज़्यादा ना लें, अपने हिसाब से ले लें कि जिससे कि आपका जो पॉटिंग मिक्स है बहुत ही अच्छा बन जाए। और मैं इसे मिक्स कर दूंगा। अगर थोड़ी आवश्यकता और भी होती है तो आप ले सकते हैं, तो अपने अनुसार ही ले फ्रेंड्स, 20% 25% ले सकते हैं और नॉर्मल सोइल जो है 80% तक ले लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा पॉटिंग मिक्स है वो तैयार हो चुका है। अब मैं एक गमला लेता हूँ, मिट्टी का ही पॉट ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें मैं इसे फिल कर दूँगा और जो ये कटिंग है इसे मैं लगा दूँगा। सबसे पहले जो ये पॉट है, पॉट में जो ड्रेनेज एरिया होते हैं इसमें हम कुछ टूटे हुए गमले के टुकड़े या तो आप कोई भी कंक्रीट डाल सकते हैं जिससे कि इसका ड्रेनेज जो है अच्छा रहेगा और इसका जो मिट्टी, जैसे हम पानी डालते हैं तो पानी जो आसानी से निकल सकता है जो एक्स्ट्रा वाटरिंग करते हैं,
तो हम इसमें अब जो है पॉटिंग मिक्स भर देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसमें पॉटिंग मिक्स भर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये पॉटिंग मिक्स मैंने इसमें भर लिया है, छोटा सा ही पॉट है तो कटिंग ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखें कि जो इसमें मैं कटिंग करूँगा इसे ग्रो करने के लिए तो ये 45 डिग्री का होना चाहिए, जो इसके नीचे का भाग है, तो मैं इसे 45 डिग्री के एंगल में काट कर देता हूँ, जिससे कि इसका जो रूट है बहुत ही आसानी से ग्रो करेगा। देखिए यहाँ पे ये अभी 90 डिग्री पे है और मैं 45 डिग्री ऐसे कट करने के लिए इसे यहाँ से कट कर दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये 45 डिग्री एंगल पे जो है कट हो चुका है। अब मैं इसे ग्रो कर लूंगा। ग्रो करने के लिए कोई भी जो है इसमें रूटिंग हार्मोन्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो सीज़न है बरसात का वो बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाएगा। इसे लगाने के लिए फ्रेंड्स आप, क्योंकि ये जो सोइल है अभी बहुत ही सॉफ्ट है तो ये आसानी से लग जाएगा। यहाँ देखिए इसे ज़्यादा जोर से नहीं दबाना है और इसे जो हल्का हल्का जो है यहाँ पर दबा देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा वाटरिंग कर दूंगा और इसे मैं ऐसे जगह पे रखूंगा कि जहाँ पे सनलाइट जो है डायरेक्ट नहीं आते हों, सेमी सनलाइट जो बोलते हैं, सेमी सनलाइट में आप रख सकते हैं, जिससे कि इसका ग्रोथ जो है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा होने लगेगा। और जैसे जैसे इसका ग्रोथ होने लगेगा इसके बाद जो है मैं इसे सनलाइट में रख दूंगा। जैसे कि आप इसे 15 डेज के बाद सनलाइट में रख सकते हैं, जब आप देख सकते हैं कि इसका ग्रोथ जो है बढ़ने लगा है। डायरेक्ट अभी सनलाइट में रखने से जो ये है इसके पत्ते हैं और जो इसका ब्रांच है वो बर्न हो सकता है और आपके जो कटिंग है वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो आप इसके ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे सनलाइट नहीं आते हों। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने हिबिस्कस का जो कटिंग है इसे मैंने लगा दिया है सोइल में। अब मैं इसमें थोड़ा वाटरिंग कर देता हूँ, जिससे कि इसका जो सोइल है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा इसमें नमी आ जाएगा। मैं इसमें हल्का हल्का वाटरिंग कर देता हूँ। आप इसमें वाटरिंग जो है टाइम टू टाइम करते रहें, क्योंकि अभी इसमें वाटरिंग की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। आप 2-4 दिनों के अंतराल पे भी करेंगे, आप बस अपने देख ले इसमें कि जो इसकी आवश्यकता कितनी है, तो आप इसमें वाटरिंग करते रहें। बस आप ये बात की ध्यान रखें कि इसका जो सॉइल है हमेशा ही इसमें नमी बना रहे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा इसके ग्रोथ के लिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें वाटरिंग भी कर दिया है जो हिबिस्कस का कटिंग था। अब यह प्लांट जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसका ग्रोथ जो है फ्रेंड्स 1 से 2 महीने के अंतराल में बहुत ही अच्छा हो जाएगा और ये जो प्लांट है जो इसका कटिंग है वो बहुत ही अच्छा प्लांट बन जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो हिबिस्कस का कटिंग जो है वो 2 महीने पहले जो लगाए थे उसका रिज़ल्ट क्या है, और बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए इसका ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छा हो रहा है। मैंने 2 कटिंग लगाए थे देसी ही, जो ये देसी ही हिबिस्कस है बहुत ही इसका ग्रोथ अच्छा है। ये रेड कलर का था, तो इसका आप कटिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने कहाँ से कटिंग करके लगाया था। यहाँ देखिए ये जो है कटिंग इसका एरिया है, तो मैंने इसे 2 महीने पहले ही लगाया था और इसका जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छा हो रहा है। और इसे मैं जल्द ही रीप्लांट कर दूँगा, जैसे रीपॉटिंग कर दूँगा, तो जो इसका फ्लावरिंग है और जो इसका ग्रोथ है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये भी देखिए मैंने इसे भी लगाया था हिबिस्कस, कटिंग के द्वारा ही लगाया था, तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया। मैं अब इसके रूट आपको दिखा देता हूँ कि इसका ग्रोथ जो है कैसा चल रहा है। इसके रूट बहुत ही अच्छा आ जाएंगे, देखिए कितना अच्छा इसका ग्रोथ चल रहा है। यहाँ देखिए इसे मैंने कटिंग के द्वारा ही लगाया था, तो इसका जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छा हुआ है। अब मैं इस प्लांट को रीप्लांट कर दूंगा, रिपोर्टिंग कर दूंगा, तो बहुत ही अच्छा इसका ग्रोथ हो जाएगा। यहाँ देखिए इसके रूट कितने अच्छे। तो देखा आपने कितना आसान है हिबिस्कस के प्लांट को कटिंग के द्वारा ग्रो करना।
तो आप भी ऐसे ही कटिंग लगाएं फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखें कि कैसे कैसे कटिंग को लगाया जाता है, तो आपके घर में भी, आपके टेरेस गार्डन में भी जो हिबिस्कस है बहुत ही अच्छा खिलेंगे और आप जो हैं अपने प्लांट को खुद से लगा सकते हैं कटिंग के द्वारा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेरेस गार्डन को, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लांट से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना और अपने प्लांट्स की केयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।